गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 6 बज चुके हैं और आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। डीएलएड मैथ यानी कि बीटीसी मैथ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्लास केवल डीएलएड के लिए नहीं है, स्पेशल चल तो डीएलएड के लिए रही है, लेकिन ये क्लास जो है सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे आज डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता नियम। विभाज्यता नियम संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है, जो कि आपकी रेलवे, एसएससी, बैंक और टेट सीटेट किसी भी एग्जाम के टेट परीक्षा के लिए और शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी सुपर टेट के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा और क्लास को अंत तक देखिएगा। देखिए, 2 दिन की आपकी प्रॉब्लम है, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर की सुबह की क्लास में, 2 दिसंबर की शाम की क्लास है, अपने शेड्यूल से और अच्छे से चलने लगेंगी। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ दोस्तों की परीक्षा की वजह से हम बाहर आए हुए हैं और फिर जल्द ही चलेंगे। देखिए, इधर 3 का विभाज्यता नियम हमने पढ़ लिया है, 2 का विभाज्यता नियम भी हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे 4 का विभाज्यता नियम और 5 का विभाज्यता नियम। तो 4 का विभाज्यता नियम क्या होता है? जैसे आपसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है, 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक है? तो कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाज्य होगी, ये आपको बताना होगा। ऑप्शन आपके सामने है, कैसे आप जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी संख्या के अंतिम के 2 अंक इकाई व दहाई से बनने वाली संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, मतलब समझ रहे ना, ये इकाई और दहाई ब्रैकेट में कर दीजिएगा, यानी कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों यानी कि इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित है, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये इतना बड़ा संख्या लिखी है, ये 4 से कटेगी, कैसे? हमें भाग नहीं करना है, लास्ट का 2 अंक देखना है। देखिए क्या है लास्ट का 2 अंक, 8 और 4, देखिए 84 चार से कटेगा ना, सिंपल सी बात है, 4 दूना 8, 4 एक कम 4, 21 आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कटेगी, इसको ले लीजिए। इसमें लास्ट का 2 डिजिट 72 है, देखिए 72 4 से कटता है, आप जानते हैं कि क्या होता है, 18 चौक 72 ना, ठीक है, ये भी कट जाएगा 4 से, क्योंकि लास्ट में 24 है, आप जानते हैं 4 से 24 होता है, बस आपको लास्ट का डिजिट देखना है। इसमें देखिए 47 है लास्ट में, 4 से कटेगा 47, नहीं कटेगा, गलत है। इसमें देखिए 46 है, 24 है लास्ट में, 24 कटेगा 4 से, बिल्कुल कटेगा, 4 से 24, ये ऑप्शन आपका सही है। इसमें देखिए लास्ट में 39 है, 39 कटेगा 4 से, बिल्कुल नहीं कटेगा, इसका मतलब वो भी गलत है, बात समझ गए ना? तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो क्लास को थोड़ा पीछे करके फिर से देखिएगा, बार बार देखिएगा, 1000 बार देखिएगा और आप जरूर समझ जाएंगे। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करेंगे, हम आपके लिए सदैव 24 आवर तत्पर हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एनी टाइम ईमेल कर सकते हैं, हर तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आई ना? ये देखिए एक और धमाका आपके सामने आ चुका है, बहुत ही आसान सा सवाल है ये, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है इसमें। 5 का विभाज्यता नियम, अब आप लोगों ने देखा ही नहीं तो कैसे होगा, जल्दी से बताएं इसमें कौन सा सही होगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सही नहीं पड़ा ना, हमने सवाल नंबर तो बदला नहीं पिछले ही क्लास से, यहाँ पर बदल देते हैं, 2 3 कर देते हैं, कुछ भी, जल्दी से बताएं। देखिए यहाँ नियम क्या होता है, 5 से विभाज्यता नियम आप लोग देख लें, ये नियम वो होता है यदि संख्या का अंतिम अंक 0 है या 5 है, ठीक है, 0 हो या 5 हो तभी वो संख्या 5 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। अगर कोई संख्या आपको मिलती है जिसका अंतिम अंक 0 और 5 नहीं होता है और वो 5 से कटे तो बता दीजिएगा, क्या होना चाहिए, अंतिम अंक 0 हो या 5 हो या दोनों हो, ठीक है, समझ गए, संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो या दोनों हो। जैसे अगर हमने कहा यहाँ पर 50, देखिए 5 से कटेगी, अगर हमने लिखा 53, 530, ये भी 5 से कटेगी, अगर हमने लिखा 9 7 3 5, ये भी 5 से कटेगी, क्योंकि लास्ट में 5 है ना, भाग करके देख लीजिएगा। इसमें अगर हम देखें उस नियम पर आधारित, तो पहला गलत है, दूसरा उत्तर सही है, क्योंकि लास्ट में 0 है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, नॉन ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। तो ये था 4 और 5 का विभाज्यता नियम, अगर आपको नहीं समझ में आया तो निसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है ना।
आपकी क्लास जो है ये 2 दिसंबर के सुबह की क्लास तक ही सीमित है, जो छोटी छोटी क्लास हो रही है 5 मिनट 8 मिनट की, नहीं तो आपकी ये क्लासें जो है 45-50 मिनट की होंगी और 90 मिनट तक भी जा सकती हैं। अगर आप ये वीडियो जो है कहीं और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो PBR स्टडी यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। अपने किसी भी सवाल को आप इस नंबर पर भेज सकते हैं, वैसे आप लोग ऑलरेडी हमसे जुड़े होंगे, है ना, ऑलरेडी हमसे आप लोग जुड़ चुके हैं, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, माफी चाहेंगे क्लास बहुत छोटी है, फिर आपकी क्लास बड़ी सी क्लास आपको मिलेगी आज शाम से शुरू हो जाएगी और आपको सभी क्लास का शेड्यूल भी अपडेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, हम आपके आभारी हैं और आपके लिए सदैव तत्पर हैं।